चुका हूँ आपके सामने फिर से एक नया धमाकेदार वीडियो लेके। आज हम करने वाले हैं पूरे 1000 मोमबत्ती कैंडल की लाइट टेस्ट। उसका जो इफेक्ट होता है वो कितना होता है और जो आंखों का रोशनी का रिएक्शन होता है आज हम देखने वाले हैं। हम 1000 मोमबत्ती को आज सजा के उसको लाइट का टेस्ट करने वाले हैं, उसका इफेक्ट देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली हम इस मोम को कैंडल को यहाँ से स्क्वायर करके हम सजाने वाले हैं। तो हम पहले सजाते हैं। फाइनली हमारा मोम का जो कैंडल है वो सजाने का हो गया यार। और आप हम इसको रात में इसका जो लुक होता है, इसका जो इफेक्ट होता है वो देखने वाले हैं। तो इंतजार करते हैं रात की। हो चुका है रात और आप देख सकते हैं हमारा जो मोम का कैंडल है वो तो हो गया बिल्कुल यार। और हम करते हैं इसमें लगाते हैं आग, इसके बाद मोमबत्ती को जलाते हैं, फिर देखते हैं रिएक्शन। तो चलिए हम मोमबत्ती को आग लगाते हैं। मोमबत्ती है, इसका जो लाइट है, इसका जो पावर है वो बहुत ही तेज हो रहा है। हमारा यहाँ से पसीना आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल हीट, ऐसी हीट हो रहा है हम यहाँ पर रुक नहीं सकते क्योंकि बहुत ही ज्यादा हीट हो रहा है। कुछ कुछ मोमबत्तियाँ वो नहीं जल रहे हैं लेकिन हमने बहुत कोशिश कर ली। तो आपको बहुत मजा आया होगा, आप मजा आया। LED का बल्ब है वो जो इलेक्ट्रिक का बल्ब होता है वो इसके आगे टिक नहीं पाया क्योंकि ये बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, लुक है वो बहुत ही इमोजिन है, उसको देखने में बहुत ही मजा आ रहा है। आप LED बल्ब को देखकर इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो, आप शायद दिवाली में या फिर कुछ में जला के इंजॉय ले रहे हो, लेकिन हमारा जो ये मोम का कैंडल है बिल्कुल साफ और सुथरा दिखा रहा है। आंखों का जो इफेक्ट होता है वो बिल्कुल इमोजिन लग रहा है। आप देख सकते हैं हमारा जो मोम का कैंडल किस तरह जल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो मोम का जो इफेक्ट है वो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये जो बिल्कुल है ना, आप देख सकते हैं ये इतनी वोल्ट हो गया और इतनी पावर, और उसका जो LED जो वाट होता है वो लगभग 900 के आसपास हो गए हैं। आप अगर आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब
प्लीज कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारा काम की बढ़ावा देती है। तो इसलिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए